कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के बारे में हम पिछली कक्षा में भी पढ़े थे। अब अभी जो भाग दो पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत जो शहरीकरण है, नगरीकरण है, वह किस प्रकार से योजना अनुसार किया गया था, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें देखेंगे पृथककरण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। यहाँ पर हम देखेंगे कि मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, ये तीनों जो थे औपनिवेशिक शहर, पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे, क्योंकि मतलब ये थोड़े से मतलब उत्कृष्ट और संपन्न लोगों की तरह था। फिर इसमें हम देखेंगे कि उसमें समझे जाए जो भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी, जैसे कि जांच करने से औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी समझ जाए निश्चय ही इजाफा होगा, जैसे मद्रास में बसाहट और उसका प्रतिकरण, मतलब मद्रास को ही उनने क्यों चुना और बॉम्बे कलकत्ता को ही क्यों चुना, क्योंकि वह समुद्र के किनारे थे, व्यापार आसानी से हो जाता था, कच्चा माल लाना मतलब कच्चा माल ले जाना, वहाँ से बना हुआ माल यहाँ लाकर उसको व्यापार करना, इस तरह से ये समुद्री तट में होने के कारण आसानी से व्यापार किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे को ही चुना था। फिर कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों केंद्र सबसे पहले जो है पश्चिमी तट पर सूरत के सुव्यवस्थित बंदरगाह को बनाया, जैसा कि मैंने अभी तुम लोग को बताया। तो उसी तरह से 1629 में इन्होंने मद्रास में एक तट की व्यापारिक चौकी बनाई, जिसमें कि लोग उसे चन्नापट्टम भी कहते थे। फिर यहाँ देखेंगे कलकत्ता में भी नगर नियोजन, कलकत्ता में भी जब नगर नियोजन किया गया था तो किस तरह से किया गया था और क्यों। आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत जो औपनिवेशिक शहरों से ही हुई थी, ये तीनों ही नगर जो हमने देखे उसमें तीनों ही औपनिवेशिक शहर थे। इसकी प्रक्रिया जो है भूमि का उपयोग, भवन निर्माण के नियमन के जरिए इसको, इसके स्वरूप को परिभाषित किया गया। इसका मतलब यह था कि शहरों में जो लोगों का जीवन जो सरकार नियंत्रित करना शुरू कर दिया था, इसके लिए एक योजना भी तैयार किया गया था, परिधीय भी बनाई गई थी और स्वरूप भी तैयार किया गया था कि इन शहर तीनों शहरों का विकास जो है हमें किस तरह से करना है और कैसे करना है। इसके लिए उन्होंने शहर कैसा दिखना चाहिए, कैसे विकसित किया जाना चाहिए और इन सभी बातों का भी ध्यान रखा गया था, जिससे कि इसको व्यवस्थित करके इसका विकास किया जा सके, क्योंकि यह विकास की सोच थी, विकास की एक प्रतिबिंब होती थी। इस कारण इसमें क्रिया में जमीन, उनके वासिंदों, संसाधनों पर नियंत्रण किस तरह से रखा जा सकता है और संसाधनों का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्हें व्यापारी नवाब की संप्रदा के आधार पर लगातार सवाल भी उठते रहे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी मतलब जो कर चुकाना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी जो कि व्यापार के लिए हम पका बना हुआ माल जो हम यहाँ लाते थे, कस्टम ड्यूटी जो लगती थी, टैक्स जो लगता था, वह चुकाना पड़ता था और नवाब द्वारा जो तय की गई थी कारोबार की कुछ शर्तें थी, जिनके कि सिराजुद्दौला जो थे उन वो भी अपना ताकत का लोहा मनवाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजों पर हमला किया था। फिर कुछ समय बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें सिराजुद्दौला की जो थी हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनवाने के लिए फैसला लिया जिसमें कि आसानी से हमला ना किया जा सके। उन्होंने किला ऐसा बनवाया था, उसमें कुछ होल भी रखे हुए थे, जिससे कि समय आने पर यदि उन लोग आक्रमण करते हैं तो वो होल के माध्यम से उन पर मतलब बमबारी कर सकें या उनको आक्रमण करने से रोका जा सके। फिर कलकत्ता में जो था वह नगर नियोजन, इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण को पूरा करने वाला ही नहीं था, बल्कि 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने गवर्नर जनरल जब बने थे, उन्होंने कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया था। इस इमारत में सिर्फ इमारत जो थी वह अंग्रेजी सत्ता का एक प्रतीक थी, तब ये जो महल बनवाया था वह अंग्रेजी सत्ता की एक प्रतीक थी, जहाँ पर स्वास्थ्य परक बनने के लिए एक तरीका भी ढूंढा गया, खुले स्थान छोड़े गए, साथ ही साथ वहाँ पर एक प्रशासकीय आदेश भी जारी किया गया। इस विषय में कुछ कमेटियाँ भी बनाई गई, जिसमें बाजारों, घाटों, कब्रिस्तान, चर्म शोधन, इस तरह की जो वहाँ छोटी छोटी जो जगह थी उनको साफ किया गया या उनको वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद जन स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा विचार बनाया गया जिससे कि शहरों की सफाई और नगर नियोजन जो है ये परियोजना जो है आसानी से वहाँ पर चलाई जा सके। इस तरह से उन्होंने छोटी छोटी जो बस्तियाँ थी जहाँ पर गंदगी होने की संभावना थी उन बस्तियों को उन्होंने पूरी रूप से वहाँ से हटा दिया गया था या शहरी क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया था।
जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला तो अंग्रेज ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास जैसे शहरों को शानदारशाही राजधानियों में उन्होंने तब्दीली कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने लिए महल बना लिए थे, बंगलों बना लिए थे, वहाँ रहने लगे थे। और एक क्षेत्र ऐसा था जहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश ही रहते थे, और एक क्षेत्र में ऐसा था जहाँ पर कारगर जो व्यक्ति रहते थे, जो काम करने वाले व्यक्ति रहते, कर्मकार रहते थे, व्यापारी वर्ग रहते, उनका क्षेत्र अलग बनाया गया था, उसको ब्लैक हाउस कहा जाता था, और जहाँ पर ब्रिटिश रहते थे या यूरोपीय रहते थे उसको व्हाइट हाउस कहा जाता था। लेकिन उनकी सोच से भी ऐसा लगता था जो शहरों की जो भव्यता थी वह शाही सत्ता की ताकत का प्रतिबिंब होती जा रही थी। और धीरे धीरे यह आधुनिक नगर नियोजन जो था, ऐसी हर चीज़ शामिल किया गया था जिसमें अंग्रेज अपनेपन का जो है दावा कर सकते थे। और यह तर्क संगत क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श, इस तरह से वे सारी चीज़ों को उसमें ध्यान रख, जैसे शहरों को साफ रखना, व्यवस्थित रखना, नियोजित रखना, सुंदर रखना, मतलब जहाँ उनके महल और बंगले बने हुए थे वहाँ पर बाकायदा जगह छोड़ी जाती थी, सुंदर बगीचे बनाए जाते, मतलब जो महल बनते थे वे व्यवस्थित ढंग से बनते थे। फिर हम देखेंगे मुंबई में भवन निर्माण। मुंबई में भवन निर्माण जो था एक शाही दृष्टि से साकार करने के लिए एक तरीका, जो नगर नियोजन जो था वह दूसरा तरीका यह था कि भव्य इमारतों के मोतियों से टांक दिए जाए। इस तरह से बनने वाले इमारतों, किले जो थे, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकी मीनारें, व्यावसायिक डिपो, ये सब चीज़ें जो थी, गोंदियाँ थी, पुल थे, तो कुछ भी हो सकता था जिसको कि वे व्यवस्थित ढंग से बना सके। इसके लिए इमारतें जो थी वे रक्षा, प्रशासन, वाणिज्य, प्राथमिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती थी, लेकिन कुछ साधारण इमारतें नहीं थी। ये इमारतें जो थी अक्सर इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे जो थे विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी, और बम्बई की सोच से इसको अमली जामा पहना। यह बम्बई जो था एक विशाल शहर के अस्तित्व में आया, जिसमें कि औपनिवेशिक भारत जो था वाणिज्यिक राजधानी बनी, और साथ ही साथ ये बंदरगाह होने के नाते ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी बना। लेकिन यह जो है 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात, आयात मुंबई से ही होता था। और यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे अफीम थी, यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से चीन को भी अफीम का निर्यात करती थी। इस तरह से व्यापारी भी होते थे, कुछ बिचौलिए भी होते थे जो इसके हिस्सेदार होते थे, और साथ ही साथ जैसे कि मालवा, राजस्थान और सिंध में अफीम का उत्पादन इन इलाकों को जोड़ने में मदद करती थी। इस तरह से गठजोड़ हुआ, मुनाफे का सौदा हुआ, पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, पूंजीपति जैसे पारसी, मारवाड़ी, कोकड़ी और इस तरह से मुसलमान, गुजराती, बनिए, वोहरा, यहूदी, आर्मेनियाई, ये विभिन्न समुदाय जो थे इसमें शामिल हो गए थे। फिर जैसे जैसे मुंबई की जो अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे, जहाजरानी का भी विस्तार हुआ, क्योंकि इसके साथ साथ क्योंकि व्यापार आसानी से किया जा सकता था, और प्रशासकीय जो संरचना थी उसका विकसित करने की भी ज़रूरत थी। और इस तरह से उन्होंने नई इमारतें भी बनवाई, इमारतों में शासकों की संस्कृति, आत्मविश्वास भी झलकता था, जिसमें स्थापत्य वास्तु शैली जो है यूरोपीय शैली भी आधारित थी। यहाँ पर जो भारतीय और यूरोपीय शैली मिलकर भी कई महल देखेंगे, कई कार्यालय देखेंगे, तो उसमें भारतीय यूरोपीय शैली ही देखने को मिलती है। जैसे अपन ने जबलपुर में कलेक्ट्रेट को देख लो, हाईकोर्ट को देख लो, नगर निगम को देख लो, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं यूरोपीय शैली के कुछ लक्षण जो है उसमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से पहली बात ये है कि अजनबी देश जो है यहाँ पर यूरोपीय जो शासन कर रहे थे, उन लोग ये कोशिश कर रहे थे कि अजनबी देश जो है ये जाना पहचाना सा लगे, और यह उपनिवेश में अपने घर जैसा वे अंग्रेज जो है महसूस कर सके। यूरोपीय शैली में जो श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता का जो प्रतीक होती थी, तीसरा वे ये सोचते थे यूरोपीय ढंग से दिखने वाली जो चीज़ें होती थी इमारतों के औपनिवेशिक स्वामियों भारतीय प्रजा के बीच जो है वह फर्क भी दिखा सके कि हम यूरोपीय हैं और वे भारतीय हैं। फिर मुंबई में ज़्यादा भारतीय इलाके जो थे, सजावट और भवन निर्माण के साथ सज्जा के जो परंपरागत शैलियाँ थी उनका भी बोलबाला था, मतलब कुछ भारतीय थे जो कि अपनी संस्कृति को जोड़े रखना चाहते थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। इस तरह से कुछ चीज़ें थी भवन निर्माण
साज सज्जा परंपरागत शैलियाँ थी वह भी अपनी खास स्थान बनाई हुई थी। जैसे कि कई जगह की कमी थी, भीड़भाड़ वाली जगह मम्मी की खास तरह की इमारतें हुआ करती थी जिसको कि चौल का नाम दिया जाता था। यह बहुमंजिला होती थी जिसमें एक एक कमरे में एक आवासीय इकाइयाँ बनाई गई थी। इस तरह से इतने सारे कमरे जो है, सामने खुला हुआ बरामदा होता था, गलियारा होता था जिसमें कि लोग उससे आना जाना करते थे। इसी बीच में दलान भी होता था। इमारत में बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत सारे परिवार रहते हैं, उसको हम चौल कहते हैं। इस तरह से यह एकजुटता का भाव भी पैदा करता है। फिर इमारतें और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती हैं, जो इमारतें हैं जो स्थापत्य शैलियाँ हैं वह क्या बताती हैं। स्थापत्य शैलियाँ से अपने समय में सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनकी निहित विविधताओं का पता चलता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लोगों की सोच, लोगों की नज़र के बारे में बताती है। और साथ ही साथ इमारतों के जरिए हम शासक जो है अपनी ताकत का इजहार भी करना चाहते थे। इस तरह से हाँ, उस समय की जो सत्ता थी वह किस तरह से देखा जाता था, वह इमारतों की विशिष्टताओं, ईंट, पत्थर, खंभे, मेहराव, आसमान को छूते गुंबद, उभरी हुई छतें, इनके जरिए से हम उनको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। फिर स्थापत्य शैलियों में केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता, उनकी शैलियाँ जो थी उनकी लोकप्रियता भी प्रदान करती थी, उनकी संस्कृति रूपरेखा भी तय करती थी। साथ ही साथ जो यूरोपीय स्थापत्य शैलियाँ थीं वह आधुनिक सभ्यता का भी प्रतीक बन गई थी। और यह जो है, लेकिन इसमें सबकी राय एक जैसी नहीं होती थी। इसमें भारतीयों को यूरोपीय आदर्शों से आपत्ति थी, जिसमें कि देशी शैलियों को भी बचाए रखने का प्रयास वे कर रहे थे। फिर देखेंगे गृह कार्य। गरीब मजदूरों के लिए शहरी जीवन एक संघर्ष था, क्यों? सिविल लाइन क्या थे, क्या कंटूर बसाए गए थे? फिर है 18वीं शताब्दी के मध्य से नगरों का स्वरूप परिवर्तन, सिविल लाइन क्या थे? 18वीं शताब्दी के मध्य में से नगरों का स्वरूप परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ? सन 1853 में रेलवे की आरंभ की शहरीकरण की प्रक्रिया क्या भूमिका थी? औपनिवेशिक शासन के हिल स्टेशनों की स्थापना क्यों की गई थी? व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का महत्व बताइए और अंग्रेजों द्वारा भारत में पर्वतीय स्थलों और छावनियों की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।